नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर, आप देख रहे हैं आरडी फिटनेस। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। मैं क्षमा चाहूँगा दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया है चैनल पर वीडियो नहीं आ रही है, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, मैं कुछ काम में ज़्यादा ही बिजी चल रहा हूँ काफ़ी दिनों से, उस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए सॉरी। आज का ये हमारा वीडियो है जो कि ये फिटनेस से रिलेटेड नहीं है, आज हम व्लॉग शूट करने वाले हैं। ये मेरे चैनल पर पहली बार व्लॉग आएगा दोस्तों, तो व्लॉग को कंप्लीट देखना एंड एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना व्लॉग कैसा बना। मैं पहली बार व्लॉग बना रहा हूँ तो दोस्तों पूरी पूरी कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा अच्छा व्लॉग बने। हमने घूमने का प्लान किया था दोस्तों मसूरी, लेकिन अब बरसात का टाइम है और बरसात में हमने पता किया है वहाँ पे अभी जाना सेफ नहीं है, क्योंकि लैंडस्लाइड होती रहती है इन दिनों में, क्योंकि जब बरसात का मौसम आता है तो लैंडस्लाइड होना जायज़ सी बात है, तो वहाँ पे रिस्की एरिया है थोड़ा, अभी ठीक नहीं है वहाँ पे। हम वहाँ पे बाद में जाएंगे, लेकिन फिर हमने अपना प्लान कैंसिल नहीं किया है, मतलब मसूरी का प्लान कैंसिल हो गया, लेकिन हम अब फ़िलहाल जा रहे हैं माउंट आबू। राजस्थान का टूर है हमारा, 3-4 दिन का टूर है, तो कंप्लीट व्लॉग बनाएंगे और एन्जॉय करेंगे बिल्कुल आपके साथ, बस आप अपना प्यार बनाए रखें। तो दोस्तों अब बैग पैक करते हैं और आपको पूरा कंप्लीट व्लॉग दिखाएंगे, जो जो हमारे साथ रास्ते में होगा, जैसा भी सफ़र होगा। आशा करता हूँ अच्छा सफ़र जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप बैग पैक करने के बाद गाड़ी में। तो भाइयों गाड़ी में आ चुके हैं, जैसे कि बताया था आपको माउंट आबू के लिए चल पड़े हम, तो सारे भाई आ चुके हैं गाड़ी में। तो भाइयों एक बार जय जयकार लगा दो, जय बाबा ज्ञान गुरु की, जय 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 दादा जोहड़ाड़ा की, जय जय सारा दही देवताओं की, जय। जय। दोस्तों आप कभी भी कहीं पर भी घूमने जाते हो तो मेरी एक सलाह है, आप जब भी कहीं पर जाओ किसी से पूछ अच्छा कर जाओ हमेशा, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हमें पता नहीं होता है उस गेर दिया जगह का उन्होंने क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जैसे कि मैंने बताया था कि मसूरी का प्लान हमारा कैंसिल हो चुका है, इसलिए आज हम माउंट आबू के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड काफी ज्यादा हो रही है और माउंट आबू का पता किया है काफी अच्छी जगह है, तो इसलिए हम माउंट आबू का टूर किया है आज का। ठीक है दोस्तों, एंजॉय करते हैं, व्लॉग को कम्प्लीट देखना है। तो भाई वो गाड़ी में तेल भरवाया जा रहा है और अपनी सारी टायरों की हवा चेक की जाएगी, क्योंकि लंबा सफ़र है काफ़ी, चलने से पहले सारी चीज़ चेक करके चले भाई हो, जो जो चलते हो घूमने के लिए, जो जो टूर पर जाते हो। देख वो उसमें तो जान लग रहा, ये चला चला या 30 सेकंड बंद हो जा भाई, नहीं यार जबरदस्ती मतलब तेल भर दिया भाइयों ने। आप बहुत तो आ जाए, मैं मैंने पता हो ना जो पायलट करेगा बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। करो मिलावट उलावट, मिलावट ना मशीन मत कर रखी होगी गड़बड़ नहीं। चमन्नी में आग लगा ली कितना। कितना आएगा? वही 5 50 लीटर। पैंतालीस सौ सत्तर है, क्या होगा 4300 को एक बार भरे, 4500 4517 होगा। भाइयों तेल भरवा लिया गाड़ी में, फुल टंकी फुल करवा ली है और साथ में 50 लीटर की कैन और थी वो भी भरवा ली है, तो
तो अपना यहाँ से ही फुल करके चलना चाहिए, क्योंकि आगे का नहीं पता क्या दिक्कत आ जाए क्या नहीं। इसलिए 8800 का तेल हमने भरवा लिया है और आगे का सफ़र देखते हैं हम। तो वही 3 बजे चले थे हम 3 बजकर, और अब बज रहे हैं 7:20। तो हमारा 4 घंटे का सफ़र था ये। सफ़र के बाद अब हमने यहाँ पे सोचा है थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, और अपना थोड़ा स्नैक्स वनैक्स लेकर आए थे वो खाएंगे। यहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं अजमेर, यहाँ से 50-60-70 किलोमीटर दूर है अभी अजमेर। तो आज माउंट आबू तो नहीं पहुँच पाएंगे, अजमेर में ठहरने का हमने प्रोग्राम बनाया।
आपको बताते हैं आगे फिर क्या प्लान है क्या नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह कर लेते हैं, तो आपको व्यू दिखा देता हूँ मैं यहाँ का। भाई कुछ भी कहो, राजस्थान आने का यहाँ पे सफ़र एक नंबर का है। रोड एकदम खुले ही खुले हैं सारे के सारे, कोई जाम वाम नहीं, और भाई मज़ा आ गया एकदम। यहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे आज रात, तो फिलहाल अजमेर में ही रुकना पड़ेगा हमें। तो भाई अपना नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करके चलते फिर आगे का दिखाते हैं आपको। थोड़ी भूख लग रही थी तो यहाँ पे टोस्ट रहे, समोसे हरीज बेकरी के। अब यहाँ से खा के फिर चलेंगे। तो भाई तुम्हारे भाई ने कर लिया नाश्ता, पेट भर गया है, अब यहाँ से चलेंगे। 50-60 किलोमीटर का सफ़र है, फिर जाके अजमेर में रुकेंगे, तब आपको दिखाएंगे वहाँ का सीन क्या क्या नज़ारा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमें रूम मिल गया है, अजमेर के अंदर मिला है, बहुत टाइम के बाद मिला है, काफ़ी हमने ढूंढा कोशिश की तब मिला, क्योंकि हर जगह जाते हैं हमें सब कुछ देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि हमारी गाड़ी सेफ है कि नहीं है, हम सेफ है कि नहीं है, पूरी लोकेशन के साथ हमें देखने के बाद हमें काफ़ी देर में मिला है, एक घंटा लगा हमें रूम सेलेक्ट करते करते। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ। तो भाई ये रूम मिल गया है अपना, दो डबल बेड है, हम चार भाई आए हैं, तो भाई आराम से आएंगे। इस पर एसी लगा हुआ है अपना, पंखा वगैरह टीवी वगैरह सब है, और अपना स्पीकर वगैरह हम साथ में लेकर आए। यहाँ पे खिड़की है, खिड़की से हम देखते रहेंगे, अपनी नीचे गाड़ी खड़ी है पार्किंग में, सेफ है बिल्कुल, बोल रहे हैं कि गारंटी ले रहे हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ से निकलेंगे सुबह 5 बजे। अब यहाँ पे हम खाएंगे पियेंगे और विश्राम करेंगे, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, और सुबह निकलेंगे। सुबह कितने बजे है भाई, सुबह कितना बजे, 5 बजे, 5 बजे उठेंगे और यहाँ से 6 बजे निकल लेंगे भाई, अपना नहा धो के फ्रेश होके 6 बजे कल का हमारा डे टू रहेगा माउंट आबू के लिए, आज तो हम नहीं पहुँच पाए, लेट हो गए थे काफ़ी। तो ठीक है, फिर कल का व्लॉग दिखाते हैं आपको,